नमस्कार, एमएचएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। यहां बात करें अगर मुद्दे की, तो आज के मुद्दे में हम सियासत के चक्कर की बात करेंगे। अब आप कहेंगे सियासत का चक्कर क्या होता है, वो चक्कर जिसमें हर पार्टी उलझी नजर आती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी मौसम हुआ है और गर्म हवाएं चल रही हैं सियासत की, बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो छूटती नजर आती हैं। हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं और कुछ मजबूतियां भी हैं जिन्हें वो सामने रखती है, लेकिन कमजोरी छिपाना चाहती है। शुरुआत अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि वो सत्ता में तो काबिज हो गई देश में, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या वो जनता को लुभा पाएगी, क्योंकि कहते हैं लोकसभा और विधानसभा दोनों बड़े अलग तरीके के चुनाव होते हैं, मुद्दे भी अलग होते हैं, सियासत भी अलग होती है, नेता भी अलग होते हैं। और वहां नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा था, अभी तक हरियाणा में ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को टॉप लीडरशिप में गिनवाना नहीं भूलते और अपने आप को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यानी कि भले ही वो सत्ता के रथ पर सवार है, लेकिन दिक्कतें उसके अंदर भी हैं। बात करें दूसरी बड़ी पार्टी की, INLD की, तो 10 साल से सत्ता के अंदर कहें कि विपक्ष की भूमिका निभा रही है हरियाणा के अंदर, लेकिन आज की तारीख में 8-9 सालों से जिस तरह से वो मुद्दे उठाती आई है, जैसे ही बीजेपी ने अपने आप को साबित किया है कहें कि देश में आई, वो मुद्दे बीजेपी ने कैप्चर कर लिए हैं ऐसा नजर आता है और इनेलो उसमें पीछे छूटती नजर आती है। आज जो हवाओं की बात की जाती है, कहते हैं जब नेता घर बदलते हैं तो प्रदेश की राजनीतिक स्थिति का पता लगता है, और कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में नजर आती है। ऐसे में इनेलो कहां खड़ी है, उसके मुद्दे कहां है, क्या वो सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चलेगी। और सत्ताधारी दल कांग्रेस की अगर बात करें, 10 साल में विकास के दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी सत्ता में आएंगे विकास के सहारे आएंगे, लेकिन विकास के साथ साथ वो अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं। उस किले की दीवारें दरकने लगी हैं जिस किले को सबसे मजबूत हुड्डा साहब बताया करते थे, तो दिक्कतें वहां भी हैं। इन तीनों लोगों से बात करें, हमारे पास तीनों मेहमान मौजूद हैं, लेकिन शुरुआत में हम अपने आप को दिखाते हैं बीजेपी के लिए कितनी दिक्कत। होर्डिंग को गौर से देखिए, ये वही होर्डिंग है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की नसीहत की जमकर खिल्ली उड़ा रहा है। ये वो होर्डिंग है जिसे देखकर शायद कई बीजेपी नेताओं के तन बदन में आग भी लग सकती है। यहाँ हम बीजेपी के उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो अपने आप को हरियाणा का अगला मुखिया समझकर अपनी मूछें ऐंठ रहे हैं। ये होर्डिंग हटकर सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई को तीर की तरह चुभ रहा होगा, तो भला सत्ताधारी कांग्रेस इस होर्डिंग को देखकर खुश कैसे हो सकती है। इस होर्डिंग में लिखा है कि एक शब्द प्रदेश की सियासत को गरमाने के लिए काफी है। हरियाणा की पुकार, राव इंद्रजीत सरकार। होर्डिंग में लिखे इन शब्दों ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत को बहस के लिए मुद्दा दे दिया है कि आखिर क्या बीजेपी में भी अंदरखाने लड़ाई शुरू हो गई है, और क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की नसीहत को हरियाणा बीजेपी के नेता ताक पर रख रहे हैं। गौरतलब है कि अमित शाह ने हरियाणा बीजेपी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि कोई भी अपने आप को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट ना करे, भले ही पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस और इनेलो में 36 का आंकड़ा हो, लेकिन होर्डिंग्स के मसले पर दोनों ही पार्टियां एक सुर में विरोध कर रही हैं। अभी तो यही नहीं पता कि वो गठबंधन भी चलेगा या नहीं चलेगा, तो इसलिए किसी का मुख्यमंत्री ये कहना कि जी आपकी ये मुख्यमंत्री होगा, होर्डिंग ये लग रहा है आपके पास इंद्रजीत सरकार, लेकिन इसमें कोई मुझे तो ठोस नजर नहीं आती। ये जो है खुश करने के लिए लोगों को उनके जो है सबॉर्डिनेट वो करते हैं। सबसे पहले जनता विधायक चुनती, चुने हुए विधायक दल नेता का चयन करते जिसको मुख्यमंत्री पद के रूप में मनोनीत किया जाता है। जी हाँ, जहाँ बीजेपी के लिए आपसी खींचतान ने मुसीबतें बढ़ा रखी है, वहीं कांग्रेस का बिखरता कुनबा भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। हरियाणा में चुनावी समर आते ही सियासी दलों में उठा पटक का दौर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। कौन अपना, कौन बेगाना, कौन दोस्त और कौन दुश्मन बन जाए, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शायद इसी को राजनीति में संभावनाओं का खेल कहते हैं। हरियाणा बीजेपी में जहां सीएम बनने के लिए दावेदार में मैराथन की दौड़ हो रही है, वहीं सत्ताधारी कांग्रेस में भी दौड़ लगी है, लेकिन पार्टी छोड़ने की। कांग्रेस नेता एक एक कर दल बदल में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस में तू चल में आया की रेस लगी है। राजकुमार सैनी
कृष्णा गहलावत, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, धर्मवीर सिंह, हबीबुर रहमान, जगदीश नेहरा, रामराज शर्मा, नीरज शर्मा, करमवीर सैनी जैसे नेता जो कभी अपने आप को कट्टर कांग्रेसी कहते थे, वही नेता अब कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ कट्टरता दिखा रहे हैं। देश को आया राम गया राम का नारा देने वाली हरियाणा की राजनीति एक बार फिर उसी दौर से गुजर रही है जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम के नारे के साथ चुनावी मैदान में है और वो जनता से अपने विकास कार्यों के दम पर वोट मांगने जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में क्या कांग्रेस का विकास राज बिखरते कुंबे पर पर्दा डाल पाएगा, क्या विकास के दम पर कांग्रेस प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने में सक्षम हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। इन दोनों पार्टियों के बीच बात आती है INLD की यानी कि नेहलो की। नेहलो किन मुद्दों पर सियासत कर रही है ये भी देखिए। प्रदेश में जहां कांग्रेस और बीजेपी आपसी द्वंद्व से जूझ रही है, वहीं नेहलो में भले ही अंदरूनी घमासान कम नजर आता हो लेकिन पार्टी की चुप्पी सवालों के घेरे में है। कहते हैं विपक्ष में बैठकर सियासी दलों की भूमिका और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ताकि सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचा सके और जनहित के मुद्दों को उठा सके, लेकिन ना तो मुद्दों पर सत्ताधारी चर्चा करना चाहते हैं और ना ही विपक्षी। प्रदेश के सियासी दलों का इस बात पर बखूबी ध्यान है कि कौन सा दल उनके चुनावी राह में रोड़ा बन सकता है, लेकिन मुद्दों के नाम पर सियासत ठंडे बस्ते में नजर आती है और सियासत की सूली पर चढ़ते नजर आते हैं मुद्दे। चुनाव नजदीक है तो सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, लेकिन सत्ता की इस दौड़ में सियासी दल एक दूसरे की राह में रोड़ा अटकाने में लगे हैं कि आखिर किसका पत्ता कैसे काटा जाए। लेकिन क्या प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में जनहित के मुद्दे संघर्ष कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। जी तो बात हुई तीनों पार्टियों की, हमारे साथ तीनों मेहमान भी मौजूद हैं। पहले आपसे उनका तारुफ कराते हैं ताकि उनसे सवाल जान सकें, जवाब जान सकें, क्या वो अपनी पार्टी को लेकर कहते हैं। शुरुआत करते हैं रमन मलिक साहब से, बीजेपी लीडर हैं, हमारे साथ ऑनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं रमन मलिक साहब हमारे साथ हैं और साथ साथ हमारे साथ सतपाल कौशिक जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। सतपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजकुमार रिडाऊ जी हैं, इनेलो से हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। इन तीनों नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद